राजस्थान में पुनर्गठित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक बुधवार को होगी, जो सीएम गहलोत की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होगी। आपको बता दें, सीएम गहलोत इस औपचारिक बैठक में नई टीम के साथ चर्चा करेंगे। सरकार की भावी कार्य योजना को लेकर सीएम गहलोत बातचीत करेंगे। वहीं 2023 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई टीम को निर्देश देंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन के बाद नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। साथ ही गहलोत ने ट्वीट कर सभी मंत्री गणों को उनके दायित्व की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए, नए गहलोत मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कल होने वाली है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इस बैठक में क्या निकल कर आएगा? देखिए, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है, पुनर्गठन के बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया है। कल शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई है, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। और क्योंकि गुड गवर्नेंस किस तरह से दी जा सकती है अब पुनर्गठन के बाद, चूंकि सभी विभागों को मंत्रियों का बंटवारा कर दिया गया है और पूरे 30 मंत्री अब हो गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित, तो किस तरह से गुड गवर्नेंस की दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाए। प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है, प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, उसको किस तरह से गति दी जा सकती है, सरकार की योजनाओं को किस तरह से आम जनता तक पहुंचाया जाए और उसका किस तरह से लाभ लोगों को मिले, इस दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार काम कर रहे हैं। कल भी जब मंत्री शपथ लेने जा रहे तब सीएम ने कह दिया था कि विभागों के बंटवारे के साथ ही एक पूरी प्लानिंग तय की जाएगी और पूरा टास्क दिया जाएगा मंत्रियों को, ताकि 2023 में सरकार रिपीट हो सके, जनता के अधिक से अधिक काम हो। इस दिशा में मंत्रियों को टास्क दे दिए जाएंगे, प्रदेश का दौरा करेंगे, योजनाओं के बारे में और नई योजनाएं जनता के हित में किस तरह से बनाई जा सकती हैं, तो तमाम कार्य मंत्रिपरिषद की बैठक में एक विस्तार से अलग अलग विभागों की पूरी चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभागों का टास्क भी, सभी मंत्रियों को किस तरह से काम करना है, पूरी गाइडलाइन के साथ ये बैठक होगी। और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विभागों के जो नए मंत्री हैं उनको किस तरह से जिम्मेदारी निभाएं और जनता को अधिक से अधिक राहत मिले और सरकार की जो गुड गवर्नेंस की, त्वरित न्याय की, पारदर्शिता की जो नीति है उस पर काम हो सके। जी शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।